रंजी मुद्दू नहीं हो रही, दिल में एक रंज हॉल की कैफियत दारी है। हमारे दरीना साथी मुमताज़ खान रज़ा इलाही से हमसे जुदा हो गए हैं, जिसका रंज हमें हमेशा रहेगा। वो दानिश्वर थे, हमारे साथी थे, सीनियर सिटीजन थे, हमारे सीनियर नायब सदर थे, सीनियर सिटीजन फोरम के। उनकी जुदाई जो है यकीनन हमारे लिए बाइस रंज है। अल्लाह ताला उनकी मफ़रूत फरमाए और उनके जो लबा यकीन हैं अल्लाह उनको सब्र जमील अता फरमाए। इंशाल्लाह किसी किस्म का भी तावन की अगर फैमिली को ज़रूरत होगी, हमारे पूरे उनके जो साथी हैं हम अंदर कोश तैयार होंगे उनकी मदद करने को, उनका सफ़र आखिरत मुकम्मल करने के लिए। जज़ाकल्लाह। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज अजीम मलिक साहब ने मुझे ये न्यूज़ दी, हमारे सीनियर सिटीज़न पाकिस्तान लाहौर की जो बैंकर थे और गुज़िश्ता दो दहाइयों से जायद अर्सा हो चुका था, मैनचेस्टर में रिहाइश पज़ीर थे। मुमताज़ खान साहब सीनियर सिटीज़न थे और बड़ी मोहब्बत वाले प्यारे मिलनसार शफीक और मोतबर शख्सियत थे। और जब ये खबर मेरे तक पहुंची, अजीम मलिक साहब ने बताया कि आज वो दुनिया फ़ानी से कूच कर गए हैं, यकीन मानिए बहुत दिली दुख और सदमा हुआ कि रोज़ाना वो शख्स व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे, फेसबुक पे बीमारी की हालत में भी दोस्तों के साथ रबते में रहते थे, उनको याद रखते थे, कहा कोई छोटा कोई बड़ा, बड़े खुश मिजाज मिलनसार। मैंने कहा मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं बयान करूं कि कितनी खूबसूरत शख्सियत के बारे जो है वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। मेरी दुआ है या भाई ताला मुमताज़ खान साहब मरहूम को जवार रहमत में जगह दे, जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता करे। उनके जो वकील हैं कि जो माशाल्लाह बेटी के पास रिहाइश पज़ीर थे, उनको भी सब्र और जमील अदा करे। और जब तक हम कम्यूनिटी सेंटर में जब तक भी ज़िंदगी में आएंगे तो उनको रोज़ाना की बुनियादों पर हर बार जब भी आएंगे उनको मिस करेंगे। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आप इंतहाई अफसोस के साथ बताना पड़ता है कि हमारे एक साथी जो हमारे सीनियर सिटीज़न फोरम के नायब सदर भी थे, इन अल्लाह ताला की मर्ज़ी से रज़ाए इलाही से वफात पा चुके हैं। आज ही हमको पता चला है और हम सब साथी उनको याद कर रहे हैं। उनका हमारे साथ दरीना साथी थे और हर रोज़ हमारी मुलाकात होती थी और बहुत अच्छी बातचीत होती थी। उनकी एक किताब भी शाया हुई थी, शायर किस्म के लोग थे और उसका नाम था रूदियतुल्ला, वो पढ़ने के काबिल है, जिसमें वो सब अपनी ज़िंदगी के हालात उन्होंने बयान किए हैं। तो अल्लाह ताला हमारी दुआ है अल्लाह ताला उनकी मफ़त करे, उनके फैमिली को सब्र जमील अता फरमाए और दोस्तों यारों अहबाब को सब्र की तौफीक अता फरमाए। आज हमें एक बड़ी हौलनाक खबर का सामना करना पड़ा है कि जो हमारे सीनियर नायब सदर थे इस फोरम के, सीनियर सिटीजन फोरम के सीनियर नायब सदर, आज कज़ाए इलाही से वफात पा गए हैं। और हमें ये आज खबर सुबह मिली है और हमारे पाँव से ज़मीन निकल गई है। हमारे वो बहुत अच्छे साथी थे, वो बहुत इंटेलेक्चुअल आदमी थे और बेअंदाज इलम रखते थे और बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते थे। हमें उनका साथ जो है वो कभी नहीं मिलेगा, इसके लिए हम बहुत परेशान हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और उनके लवाहकीन को सब्र जमील अता।